के बाद क्या करें, डिप्लोमा, CITS जॉब और अप्रेंटिस। यहाँ पर दोस्तों हम आगे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कैप्शन पर सेट कर दीजिए। देखिए ITI के बाद आपके सामने 3-4 रास्ते खुले हैं। अगर आपको लगता है कि हमें डिप्लोमा करना चाहिए, अगर आपने ITI की अच्छे से पढ़ाई की है, ट्रेड थ्योरी का अच्छे से नॉलेज लिया है, तो आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड जो है यह डिप्लोमा कर रहे हैं और उनको जो है कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने सिर्फ NEMI के क्वेश्चन पढ़ के अगर आप ITI पास हो चुके हैं या सिर्फ आपने एग्ज़ाम के लिए NEMI के क्वेश्चन ही पढ़े हैं, तो हमारा यह मानना है कि आप जो है यहाँ पर ITI के बाद डिप्लोमा ना करें, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप कर सकते हैं, अगर आपको जो है यहाँ पर मिनिमम डिप्लोमा करने के लिए आपको 1,00,000 के अराउंड यहाँ पर ईयरली फ़ीस लगने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए ITI के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ITI करते हैं तो आपको जो है ऑपरेटर या जो भी है आपको वर्क करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो है आगे चलकर ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, जैसे कि आप मैनेजर भी बन सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लगता है कि हमें CITS करना चाहिए, CITS यानी क्या, ITI के बच्चों के लिए जो भी शिक्षक यहाँ पर टीचिंग करते हैं उसको जो है यहाँ पर एक साल का कोर्स रहता है, और यहाँ पर जो है एक साल में आपको जो है कैसे ITI स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए इसका जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि हमें CITS करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जॉब करना चाहिए या अप्रेंटिस करना चाहिए, और अप्रेंटिस कहाँ से करना चाहिए इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए ITI के बाद आपको जो है जॉब नहीं करनी चाहिए और अप्रेंटिसशिप ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक ऐसे ही हम क्या करते हैं, ITI पास होने के बाद हम यहाँ पर रिश्तेदारों में या घर पर ऐसा बोलते हैं कि अब हम कमाने लग जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ITI के बाद हमें घर पर बताना चाहिए या रिलेटिव जो भी होते हैं उनको जो है क्या कहना चाहिए, हमारा और भी एक साल का यहाँ पर पढ़ाई बाकी है, सिर्फ अभी ITI कम्प्लीट हो चुका है, ऐसा क्यों कहना चाहिए हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आप बोलते हैं कि हमें यहाँ पर हम कंपनी में जाएंगे, काम करेंगे, हमें 10-12 हज़ार का यहाँ पर नौकरी मिलेगा और यहाँ पर हम जो है पैसे कमाने लग जाएंगे, लेकिन आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने आपको घर वाले हैं, उनको नहीं बोलना है कि आप जो है कंपनी में काम करेंगे और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। आपको यह बोलना है कि आपको जो है एक साल का अभी ट्रेनिंग है और एक साल अभी हमें सीखना है, और जो भी है वह प्रैक्टिकल नॉलेज होगा वह आपको जो है बोलना है। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए अगर आप जाते हैं कंपनी में, बहुत सारे छात्र हैं कि प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, उनको यहाँ पर काम पसंद नहीं आता है या वह 8 घंटे यहाँ पर कंटिन्यू काम करने की आदत नहीं होने की वजह से जो है छोड़ के चले आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है रिलेटिव्स, घर वाले तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वह आपको पूछेंगे कि तू गया था, क्या किया, क्या नहीं किया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि यही चाहिए कि आपको जानबूझ के परेशान करना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उनसे एक कदम आगे चलना है। आपको कहना है कि हमारा एक साल अभी पढ़ाई का ही है, और कितना, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहता है, पहले ये अप्रेंटिसशिप को यहाँ पर 8,000 गवर्नमेंट से करते हैं तो 8,050 ऐसा कुछ मिलता है, कहीं कहीं 11,000 11,500 ऐसा भी मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताना है, हमें पेमेंट दी जाती है नहीं दी जाती, आप सिर्फ कहना कि अप्रेंटिस है, एक साल का ट्रेनिंग है, इसमें कुछ नहीं दिया जाता, इसलिए आपको जो है कोई बाद में तंग भी नहीं करेगा, इसलिए आपको ऐसा कहना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है ITI के बाद क्या करना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए तो ज़रूर कर सकते हैं CITS। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर CITS कर सकते हैं। यह एक साल का कोर्स होता है। जॉब तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप करते हैं ITI के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि देखिए ITI के बाद जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ज़रूर कीजिए। एक साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग होती है। इसमें जो है गवर्नमेंट से करते हैं तो और भी अच्छा है। और महत्वपूर्ण क्या है, गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आती है उसके लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। इसलिए आपको जो है यहाँ पर ITI के बाद अप्रेंटिस ज़रूर करनी चाहिए। यह हमारा ओपिनियन था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं डिप्लोमा करें, CITS करें, जॉब करें या अप्रेंटिस करें। हमारा जो ओपिनियन था हमने आपको बता दिया है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।